सो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली आई साइट से रिलेटेड सारे जो भी डाउट्स आपके हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। इसमें हम कवर करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, लेसिक सर्जरी के बारे में, साथ ही साथ एक कुछ डाउट रहते हैं आपकी कि भैया मैंने अगर डीएनएस बीएससी कर लिया और बीच ईयर में मेरी आई साइट वीक हो जाती है, इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको लास्ट में बताऊंगा एक मेरे यूट्यूब के मेंबर का एक्सपीरियंस, कैसे उसने लेसिक सर्जरी कराई है और क्या क्या अभी प्रिकॉशंस आपको रखनी चाहिए, वो सारे इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और आई साइट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर होने वाले हैं। और जब मैं बोलता हूँ ना आई साइट तो उसका मतलब सारी जो सिंगल सिंगल डिटेल्स है वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे बहुत मुश्किल है अगर मैं आई साइट की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि कुछ चीजें मेडिकल से रिलेटेड है, कुछ चीजें लेसिक सर्जरी से रिलेटेड है, बट फिर भी ट्राई करूंगा कि सारी चीजें इसी में आ जाए। इसीलिए इस वीडियो को मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया। द फर्स्ट सेक्शन जिसमें मैं आपको सारी बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी हो गई, लेसिक सर्जरी क्या होती है और ये हल्की हल्की चीजें आपको बताऊंगा, मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा। उसके साथ जो दूसरा सेक्शन है उसमें जो मेरा यूट्यूब का एक मेंबर है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा लेसिक सर्जरी से रिलेटेड, ठीक है, क्या प्रिकॉशन आपको रखने चाहिए, क्या कॉस्ट होती है, कितना टाइम लगता है और लेसिक सर्जरी के बाद कौन से प्रिकॉशन आपको रखने चाहिए, तो ये सारी चीजें वो आपको बताएगा, ठीक है। साथ ही साथ वैसे बता दूं ये ओनली कंप्यूटर ग्लास है जस्ट टू प्रोटेक्ट माई आईज फ्रॉम द ब्लू रेस, ठीक है, वैसे मत सोचना कि मेरी आई साइट में कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई साइट के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपका दो डिपार्टमेंट है, एक डेक है आपका, एक इंजन है। तो जो आपका डेक डिपार्टमेंट के जो भी ट्राई कर रहे हैं, जो डीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपके आई साइट का विजन 6x6 होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो मेडिकल में वो दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक करेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, लेसिक सर्जरी करा सकते हो। लेकिन जब मैं बात करता हूं इंजन सेक्शन की, यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। आपके पास देखो 6x6 है तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी दोनों आईज में 6x12 है तो चल जाएगा, या आपकी एक आई में 6x6 है दूसरे में 6x18 है तभी भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये है आई साइट की एलिजिबिलिटी, ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट के लिए। फिर हम बात करते हैं कि एक बड़ा डाउट रहता है कि भैया कि मैं आई साइट अगर मेरी खराब है, ठीक है, तो मैं कब कराऊं लेसिक सर्जरी, कोर्ट से पहले कराऊं या बाद में कराऊं, ये वाला क्वेश्चन बड़ा रहता है। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा आप पहले करा दो, ठीक है, क्योंकि ना क्या होता है अगर आप डीएनएस वीएनएस कर रहे हो और कुछ कंपनियां होती हैं जो बाहर से आ रही है और दूसरे इंस्टीट्यूट में आ रही है, तो वो क्या करती है, वो आपको टाइम नहीं देने वाली है कि ये कुछ लेसिक सर्जरी का, वो एक अपनी डेट दे देंगी और उस डेट में आपको कराना होता है। तो कभी कभी ना प्रॉब्लम आती है और इस बार प्रॉब्लम यही वाली आई थी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अपनी लेसिक सर्जरी करानी है, तो ऐसा मत सोचते कि मुझे बाद में कराना है, अब भी करा लो, ज्यादा फायदे में रहोगे, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। लेकिन हाँ, अगर बीएससी नॉटिकल साइंस वाले हो तुम तो हाँ चल जाता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहूंगा अगर तुम डीएनएस के लिए ट्राई कर रहे हो तो अभी जितने से जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना लेसिक सर्जरी जल्दी से करा दें। एक डाउट इसी की तरह सिमिलर है, ठीक है, वो पूछा जाता है कि भाई अगर मैं लेसिक सर्जरी पहले करा दूं तो क्या बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है। वैसे आपको बताना चाहूंगा जो लेसिक सर्जरी का सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, 96% के अराउंड है, और साथ ही साथ बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। बहुत से कैप्टन आपने देखे होंगे जिन्होंने लेसिक सर्जरी कराई है और अभी तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं लेसिक सर्जरी पहले या बाद में कराऊं, नहीं, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पहले ही करा लो, ठीक हो। अब थोड़ा सा ना मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा मेडिकल सर्टिफिकेट से, तुम्हारी थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देखो जो तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, अगर तुम अंडर 18 हो, ठीक है, तुमने मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवाया है तो वो एक साल के लिए वैलिड होगा, अगर वो 18 प्लस है तो दो साल के लिए वैलिड होगा, और अगर आप सेल के बीच में फंस जाते हो और आपका तब उस टाइम पे मेडिकल सर्टिफिकेट खत्म हो जाता है तो एक्स्ट्रा 3 महीने आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वो एक्सटेंड हो जाता है 3 महीने अगर आप सेल में हो और उस टाइम पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट खत्म हो रहा है। अब ये कहने का मेरा मतलब क्या है, अब देखो बहुत से पूछ रहे थे ना कि भैया कि अगर मैंने डीएनएस या बीएससी नॉटिकल साइंस कर दी और बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेरी आई साइड में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अब सुनो जो तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा ना वही चलेगा, समझ लो वही चलेगा सर्टिफिकेट आपका आगे तक जब तक वो खत्म नहीं हो रहा है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, आपको वहां पे दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो पहला सर्टिफिकेट है जब तक उसकी वैलिडिटी है तब तक वो चलने वाला है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेसिक सर्जरी, और लेसिक सर्जरी का फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बता देता हूं, उसमें होता क्या, जो आपका कॉर्निया होता है, ठीक है, उसको रीशेप किया जाता है।
इससे क्या होगा कि जो लाइट्स आती है ना आपके कॉर्निया पे जब पड़ेंगी तो वो एकदम रेटिना पे गिरेंगी, ठीक है। अब आपको अगर फार साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस है तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेटिना पे अच्छे से नहीं गिर पाती है, वो आगे या पीछे गिरेंगी, ठीक है। लेकिन जब आप लेसिक सर्जरी कराते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, वो आपका कॉर्निया को थोड़ा रीशेप करते हैं जिससे जो आपकी लाइट है, ठीक है, वो एकदम रेटिना पे गिरेगी। रेटिना का मतलब है आपका वो पर्दे की तरह यूज होता है, ठीक है, एक स्क्रीन की तरह यूज होता है जिससे आपको जो इमेजेस दिखती है, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर 18 प्लस अगर आप हो तभी कराएं, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। और प्रिकॉशंस जो मैं आपको पहले बता देता हूं क्या क्या है इसके, 18 प्लस आप होने चाहिए, आपको हेल्थ इश्यू जैसे कि डायबिटीज हो गई, आपको ल्यूपस हो गया, ठीक है, और आर्थराइटिस, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो कॉर्निया है, ठीक है, वो थिन नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों आपको जो बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इसका सक्सेस रेट बड़ा अच्छा है, ठीक है, मैंने कहीं साइड से पढ़ा था तो लास्ट 25 ईयर में इसका सक्सेस रेट 96% के अराउंड है। और इस चीज को ध्यान रखें, अगर आप अपना आई जो लेसिक सर्जरी करा रहे हो तो एक अच्छे डॉक्टर से कराएं, ठीक है, एक वेल यू नो रिकॉग्नाइज जो आपका हॉस्पिटल है वहां से कराएं, जो अच्छा डॉक्टर होगा उसी से कराएं, यहां पर रिस्क बिल्कुल ना लें, कभी कभी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो अब हम बात करने वाले हैं लेसिक सर्जरी की कॉस्ट के बारे में। तो जो मैं बात करता हूँ कॉस्ट के बारे में, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तीन या चार टाइप की ये हो सकती है, ठीक है, मोस्टली ये डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें आपका 40,000 वाली लेसिक सर्जरी होती है, आपका 70,000 में भी हो जाती है, और आपका 1.5 लाख वाली भी हो जाती है, ठीक है, जो कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। और जो मेरा यूट्यूब का मेंबर अंश है, ठीक है, उसने अपनी 40,000 वाली कराई है, और मोस्टली यही कराते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा एक दोस्त था, बैचमेट था, तो उसने कोरोना के टाइम पे कराई थी, जब थोड़ा कोरोना के केसेस ज्यादा थे, तो उस टाइम पे 70,000 वाली उसने कराई थी, क्योंकि उस टाइम पे 40,000 वाली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था अनअवेलेबिलिटी वाले में, तो 70,000 वाली उसने कराई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डिफरेंट है, ठीक है, बस ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई से भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका सक्सेस रेट क्या है, 96%, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी इसके कॉस्ट के रिगार्डिंग। तो जो भी बेसिक डिटेल्स थी, इन्फॉर्मेशन थी आईसाइट के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको बताई दी है। नाउ अंश इज गोइंग टू शेयर हिज एक्सपीरियंस विद लेसिक सर्जरी, सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एवरीवन, माय नेम इज अंश परीजा एंड आई लिव इन गुड़गांव। करंटली आई एम स्पॉन्सर्ड फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट। सो बेसिकली 2 months अगो आई हैड अंडरगॉन लेसिक सर्जरी इन लाजपत नगर न्यू दिल्ली। इट कॉस्टेड मी 40,000 फॉर बोथ द आईज, बट द रेंज कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 30,000 to 80,000 depending upon the condition of your eyes. The name of my surgery was custom view LASIK surgery, and although I was not facing any kind of problem before the surgery as my number was very minor, but in Merchant Navy, since we require a 6x6 eyesight, so I had to take the surgery, but now I'm completely fine, and also I've completed my medicals as well. So if you are also planning to undergo LASIK surgery, then you can definitely go for it, and it will be a safe option for you as well. Now, if I talk about the precautions that were to be taken before the surgery, so basically there was not such kind of precaution. The only thing was I don't have to use any kind of cosmetic or cream on my face before coming to the clinic. That's all. And if I talk about the surgery, it was hardly of 2 minutes. I remember the doctor even told me that the laser was only operated for 4 seconds in one eye and for 6 seconds in the other eye. That's all. The rest of the time was taken to just adjust the eye accordingly, and the laser was only operated for 4 seconds and 6 seconds. And if I talk about my experience, so I didn't felt any kind of difference before the surgery or after the surgery, as my number was very minor, and also I didn't used to wear any kind of specs. But yeah, you'll definitely feel the pain for at least 2 days, and if you have a kind of very major number, then your vision will be a slight blurry. But that's okay, that will be only for some days, and after that you will be perfectly fine. Now, if I talk about the precautions that were to be taken after the surgery, they were, first, no usage of phone or laptop for at least 2 weeks. You can listen to music or talk on call with your friends, but you don't have to look into the screen. Second, you have to wear black sunglasses whether you are at home or you go out for 7 to 8 days in order to prevent your eyes from dust particles. Third, you don't have to rub your eyes for at least 2 weeks. While sleeping, everyone has a habit of rubbing their eyes, so I was given these 2 eye shields which I used to wear before going to sleep. Fourth, you have to take shower only up to your shoulder level so that the water do not get into your eyes. Fifth,
you don't have to do any kind of physical exercise or workout for at least 2 weeks. 6. You don't have to sit directly right in front of the AC. That is, the air should not come directly into your eyes. 7th, you don't have to do swimming for at least 6 months. So that's all. These all are the precautions that one must take after the surgery. तो आशा करता हूँ अंश ने आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर लिए होंगे. और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. दूसरे का एक्सपीरियंस, दूसरे ने अगर कुछ किया है तो उनसे ना आप समझ सकते हो कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है. जैसे कि उसने सब प्रिकॉशन आपको बता दिए और क्या टाइम बता दिया है, कैसे वो चलने वाला है, ठीक है, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आप पहले से तैयार हो. जब आप जाओगे ना अपनी लेसिक सर्जरी के टाइम पे, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है मुझे ये करना है ये करना है. तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए ना इजी हो जाता है, ठीक है. तो यही थी वीडियो और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में.